Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक और दावत का व्लॉग. लास्ट वाला दावत का व्लॉग आप लोग को काफ़ी पसंद आया था और आपने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया था, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. और यहाँ हमने एक और दावत रखी थी, तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिखाए कि हमने आज दावत में क्या पकाया था. तो दावत की सुबह हमने सबसे पहली चीज़ बनाई थी चाय. सबको मेरी हस्बैंड की चाय काफ़ी पसंद है, तो वो पहले लग जाते हैं चाय बनाने में. तो हमने सुबह ही चाय बना के इस थर्मस में स्टोर कर ली थी. तो यहाँ मैंने एक ट्रे ली थी जिस पे मैंने ये थर्मस रखा था, और थर्मस के बाजू मैंने रखे थे ये छोटे से टी कप्स जो बड़े क्यूट हैं और अच्छी सी इसमें चाय फिट हो जाती है. और यहाँ साइड में मैंने रखा था शुगर और एक स्टिरिंग स्पून. और फिर मैंने यहाँ अपना सारा डिस्पोजेबल का सामान रख लिया था, और मैंने ड्रिंक्स भी बनाए थे. यहाँ मैंने लेमन वाटर रखा था और एक स्पाइसी मैंगो ड्रिंक बनाई थी जिसमें मैंने लिया था मैंगो जूस, टहीन, ऑरेंज स्लाइसेस और हलपिनियोस डाले थे. बहुत टेस्टी ड्रिंक बनी थी. नेक्स्ट मैं यहाँ बना रही हूँ दही बड़े. तो ये है माश के दही बड़े जो मैंने एक बड़े प्लेटर में अच्छी तरीके से रख लिए, और फिर मैं इस पर डालूंगी दही. दही के लिए मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, शुगर डाला था, और दही के दूध के साथ मैंने इसको फेंट लिया था. और फिर मैंने टॉपिंग के लिए डाले थे टमाटर और प्याज, और फिर इस पर मैंने डाली थी हरी चटनी, लाल चटनी और इमली की चटनी, और स्प्रिंकल किया था मैंने रेड चिल्ली पाउडर. ये और तब मैं चार सर्व कर रही थी. उसके बाजू मैंने रखा था पापड़ी क्रंच के लिए. और नेक्स्ट मैंने ये बनाया था कस्टर्ड का ट्राइफल. ये मैंने दावत के एक दिन पहले बना लिया था रात में. तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक लेयर पाउंड केक की डाली थी. यहाँ मेरी हस्बैंड की खाला भी आई हुई थी, तो वो भी मुझे हेल्प कर रही थी. तो सबसे पहले हमने पाउंड केक की लेयर डाली, फिर उसके ऊपर मैंने जूस डाला, उसके ऊपर मैंने बिछाया था कस्टर्ड, और उसके बाद मैंने सारे मुख्तलिफ फ्रूट इस पे यहाँ बिछा दिए थे. तो यहाँ मैंने लिया था बनानास और स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स एंड एप्पल. और हमने जेलो भी बनाई थी डेकोरेशन के लिए, जो हमने ऐसी अच्छी तरीके से इसको काट लिया था. और मैंने वाइट लेयर जो इसका था, मैंने एक कैन कंडेंस मिल्क और हैवी व्हिपिंग क्रीम को मैंने अच्छी तरीके से व्हिप कर लिया था, और फिर इसके ऊपर वो भी डाला ताकि इसका सरफेस वाइट लगे. और हमने डेकोरेट किया स्ट्रॉबेरी जेलो और लीची जेलो और स्ट्रॉबेरीज के साथ. तो माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी डिज़र्ट बन गई थी हमारी. अच्छा, तो दावत की सुबह मैं अपना काउंटर वगैरह सब साफ करके मैं अपनी सारी डिशेस यहाँ रख रही हूँ पहले से प्रेप के लिए. और फिर मैं रेडी होकर फिर जो भी मुझे दूसरी चीज़ें करनी होती है वो मैं फिर करती हूँ. यूजुअली डिज़र्ट होता है, तो यहाँ मैंने डेनिश अच्छी खूबसूरत सी प्लेटर पे सजा दिए थे, और मैंने ये रेड चिकन भी बनाई थी. ये है हैदराबादी रेड चिकन. हम हैदराबादियों में काफ़ी हम खाते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं अपने ससुराल वालों को भी ये ट्राई कराती हूँ. तो ये मैंने धुआं दिया था इसको कोयले का, और इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आ गया था. मेन्यू में था हैदराबादी कच्ची गोश्त की बिरयानी, तो उसके साथ मिर्ची का सालन और रायता ज़रूर होता है. और मैंने एक पास्ता सैलड भी बनाया था. और ये थे मेरी ज्वेलरी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. और फिर ये था हमारी चाट तैयार हो गई थी. मैंने पास्ता सैलड भी बनाया था. और यहाँ हम डिश आउट कर रहे हैं ये हैदराबादी रेड चिकन. ये बहुत मज़ेदार था, और ये लग भी रहा है बड़ा मज़ेदार. सबको बड़ा पसंद आया था, तो ये हमने ये बड़े प्लेटर में इसको भी डिश आउट कर लिया, और यहाँ मैंने इसको रख लिया. इसको मैंने सर्व किया था ये मिनी नान जो मैं कॉस्को से लेती हूँ. बड़े अच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और फ्रेश होती है. तो इसके साथ मैंने ये रखा था, और ये था हमारा दावत का व्लॉग. आई होप आप लोग को बड़ा अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर भेजिएगा. और इंशाल्लाह मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में. अस्सलामु अलैकुम.